नमस्कार दोस्तों, स्टडी टाइम्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। राजस्थान जेल प्रहरी का जो एग्ज़ाम था फर्स्ट पारी का, वो 11 बजे ख़त्म हो चुका है और उसमें जो प्रश्न पूछे गए थे उनमें से कुछ क्वेश्चन मुझे मिले हैं, वो मैं आपके लिए लेकर आया हूँ, जो कि आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और अभी तक आपने स्टडी टाइम्स इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि हर अपडेट में सबसे पहले लेकर आता हूँ। तो राजस्थान जेल प्रहरी का एग्ज़ाम जो 11 बजे ख़त्म हुआ है, उसमें जो क्वेश्चन पूछे गए उनमें से ये क्वेश्चन निम्न है कि पहला है कि राजस्थान का राज्य खेल कौन सा है, तो इसका उत्तर था बास्केटबॉल। ये राजस्थान के राज्य खेल से संबंधित एक क्वेश्चन है। और अगला है गोभी मरुस्थल किस देश में है, तो ये मंगोलिया में है, यानी मरुस्थल से ये विश्व जीके से क्वेश्चन है कि गोभी मरुस्थल किस देश से है, यानी मरुस्थल आप के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर जिनका पेपर अभी होना है आगे इन 10 दिनों के अंदर, वो गोभी मरुस्थल को, ये मरुस्थल है जो भी जितने भी मरुस्थल हैं उनसे संबंधित क्वेश्चन आ सकते हैं। तो गोभी मरुस्थल का एक क्वेश्चन है इसमें कि मंगोलिया में है। और राजस्थान जीके का एक और क्वेश्चन है कि मलीर प्रिंट कहाँ का प्रसिद्ध है, तो इसका उत्तर था बाड़मेर। और जो बांधों से संबंधित एक क्वेश्चन आया है विश्व जीके से कि आसवान बांध किस नदी के किनारे स्थित है, तो इसका उत्तर था कि आसवान बांध नील नदी के किनारे स्थित है। यानी विश्व जीके से कई क्वेश्चन आ रहे हैं, यानी विश्व जियोग्राफी से कई क्वेश्चन आ रहे हैं। आप देख सकते हैं कि एक गोभी मरुस्थल का गया और एक आसवान बांध से क्वेश्चन है कि किस नदी के किनारे है। और नीचे राजस्थान के एक अन्य क्वेश्चन है कि प्रतापगढ़ का क्षेत्रफल कितना है, इसका उत्तर था 4117। ये क्षेत्रफल के बारे में भी प्रश्न आ रहे हैं। और अगला एक राजस्थान जीके का प्रश्न है कि मसाला मेला कहाँ का प्रसिद्ध है, तो ये इसका उत्तर था जयपुर का, मसाला मेला जयपुर का एक प्रसिद्ध है। तो आप देख सकते हैं कि राजस्थान जीके में मेले से संबंधित भी क्वेश्चन आ रहे हैं, यानी आप देख लेंगी जो क्वेश्चन आज 20 अक्टूबर की फर्स्ट बारी में पूछे गए हैं, जो परीक्षा का पैटर्न है वही पैटर्न अगले 10 दिनों के अंदर रहेगा। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि जो पैटर्न है वो सभी परीक्षाओं में सेम रहता है। अब 10 दिनों के अंदर अगले जो परीक्षाएं होंगी उनका पैटर्न, जो आज परीक्षा के पैटर्न है उससे संबंधित ही क्वेश्चन आएंगे, यानी मेला से संबंधित ये क्वेश्चन आ गया तो अगले पेपर में भी मेला से संबंधित क्वेश्चन जरूर आएंगे। तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आप क्वेश्चनों के माध्यम से आप इस परीक्षा का पैटर्न जान सकते हैं कि किस तरह से आगे तैयारी करनी है, जिनका पेपर अभी बाकी है। और जिन्होंने पेपर दिए दे दिए हैं उनके लिए भी ये इम्पोर्टेंट है, क्योंकि वे उत्तर भी देख सकते हैं कि इनके सही उत्तर क्या है। और ये एक उत्तर, एक अगला प्रश्न है कि पूरा जैविक राज्य कौन सा है, ये सिक्किम, ये पूरा जैविक राज्य अभी घोषित किया गया है, इसलिए ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी आया है। यानी आप देख सकते हैं इसमें परीक्षा के पैटर्न यही बन रहा है कि मेले से संबंधित एक क्वेश्चन आ रहे हैं और दूसरा राज्य खेल, यानी अन्य भी राजस्थान और भारत के राज्य खेल, राजस्थान राज्य खेल का ये क्वेश्चन आया है और विश्व जियोग्राफी से 2-3 क्वेश्चन आए हैं, तो विश्व जियोग्राफी इम्पोर्टेंट है इसके लिए। और जो अगर इसमें रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग में पेपर का ज़्यादा फोकस कैलेंडर और रिश्ते और घड़ी से संबंधित ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं। कैलेंडर से संबंधित 2-3 क्वेश्चन है और रिश्ते से संबंधित भी 1-2 क्वेश्चन पूछे गए हैं और घड़ी से संबंधित 3-4 क्वेश्चन है। तो ये आप देख सकते हैं कि ये जो टॉपिक है कैलेंडर, रिश्ते, घड़ी, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इनसे ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं। तो दोस्तों जो अगला सेकेंड पारी का पेपर होगा तो वो भी मैं आपके सामने जो क्वेश्चन मिलेंगे लेकर आऊँगा। और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि हर अपडेट मैं सबसे पहले आप तक पहुँचाता हूँ। और दोस्तों अगर इस पेपर के संबंधित अन्य कोई जानकारी पूछनी हो तो आप कमेंट में भी पूछ सकते हैं। और सब्सक्राइब करने के लिए इस वीडियो के नीचे लाल बटन को क्लिक कर आप सब्सक्राइब करें। और सेकंड पारी का पेपर मैं शीघ्र ही लेकर आ रहा हूँ, जब सेकंड पारी का पेपर हो जाएगा तो मैं उसके जो क्वेश्चन मिलेंगे वो आप तक पहुँचाऊँगा। और आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप तक वो क्वेश्चन सबसे पहले पहुँच सके। धन्यवाद।